नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों की स्थिति को लेकर। माह सितंबर में कौन से ग्रह किस राशि में होंगे, कब वो वक्री होंगे, कब वो मार्गी होंगे, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ग्रहों की चाल के आधार पर क्या घटनाएं घटित होने वाली है, इस वीडियो में आज के इस वीडियो में इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो वीडियो है ये कोई राशिफल का वीडियो नहीं है, यहाँ पर हम ग्रहों की स्थिति को समझेंगे। हालांकि समय समय पर आपको इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर राशिफल के वीडियोज भी मैं देते रहता हूँ, आपको इसकी जानकारी भी मिलती रहती है, लेकिन वो समय समय पर अलग अलग ग्रहों के आधार पर हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में सारे ग्रहों की चाल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों एक और बात आपको बता दूं कि इस तरह का वीडियो, ये जो वीडियो है, आपको हर माह मिल जाया करता है, जिसमें आने वाले महीने के ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको अपडेट किया जाता है, बताया जाता है। यदि आप इस वीडियो को हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो। साथ ही साथ यदि खुद की कुंडली पढ़ना सीखना चाहते हैं, यदि आप समय समय पर राशिफल जानना चाहते हैं, वो साप्ताहिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, या ग्रहों के गोचरों के आधार पर अलग अलग राशिफल हो, या ज्योतिषीय घटनाएं यदि आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो, और यदि सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्यदेव की बात करते हैं। देखिए सूर्यदेव जो है वो 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। सिंह राशि स्वयं सूर्यदेव की राशि होती है। 17 तारीख तक ये सिंह राशि में रहेंगे और 17 तारीख के बाद ये कन्या राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्यदेव के बाद यदि चर्चा करते हैं मंगल देव की, तो मंगल देव अगेन सिंह राशि में यहां पर रहेंगे और ये जो है सिंह राशि में रहेंगे 24 तारीख तक, 24th ऑफ सितंबर तक ये सिंह राशि में रहेंगे और 24th ऑफ सितंबर के बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल देव के बाद यदि चर्चा करते हैं बुध देव की, तो बुध देव अगेन सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में कब तक रहेंगे? 10 सितंबर तक। 10 सितंबर के बाद ये सिंह राशि से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे कन्या राशि में और कन्या राशि में ये रहेंगे 29 तारीख तक, 29th ऑफ सितंबर तक। तो 29th मतलब 10 सितंबर से 29 सितंबर तक ये कन्या राशि में रहे और कन्या राशि के बाद ये 29 सितंबर के बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। और यदि हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव अगेन एंड अगेन जो है वो सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि में तारीख 9 तक रहेंगे, 9th ऑफ सितंबर तक ये सिंह राशि में रहने वाले हैं। 9th ऑफ सितंबर के बाद या 9 सितंबर के बाद ये कन्या राशि में अपना राशि परिवर्तन कर देंगे शुक्रदेव। तो एक चीज आप समझिए यहाँ पर कि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र 9 सितंबर तक एक साथ रहने वाले हैं, एक ही राशि में रहने वाले हैं, युति करने वाले हैं, कंजंक्शन करने वाले हैं, इनका कॉम्बिनेशन एक ही भाव में होगा, एक ही राशि में होगा। अब यदि बृहस्पति देव गुरुदेव की चर्चा करें तो वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, कई लोग इस बारे में जानते भी होंगे। और शनिदेव की बात करें तो इस बारे में भी कई लोग जानते होंगे, धनु राशि में है, ये वक्री हैं। मैंने इस पर राशिफल का वीडियो भी आपको बना करके दिया है, अलग अलग राशियों के आधार पर अलग अलग 12 वीडियोज़ हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके बाद में यदि हम चर्चा करते हैं राहु और केतु की, तो राहु और केतु अपनी उच्च राशि में स्थित हैं, राहु देव जो है वो मिथुन राशि में है, केतु जो है वो धनु राशि में है। देखिए शनिदेव के विषय में तो मैंने आपसे कह दिया कि वक्री हैं, लेकिन राहु केतु भी वक्री हैं। अभी राहु केतु जो होते हैं वो हमेशा ही वक्री होते हैं, राहु केतु कभी मार्गी होते ही नहीं। तो यदि राहु केतु के लिए कोई नहीं कहता है कि वो वक्री हैं, तो आप मन से ही समझ जाइए कि ये वक्री हैं, कभी मार्गी नहीं होने वाले राहु केतु। तो यहाँ पर हमने चर्चा की सारे ग्रहों की, लेकिन एक ग्रह रह गए जो कि हैं चंद्र। चंद्रदेव जो हैं लगभग 2 से 2.5 दिन में, 3 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और उनके आधार पर मासिक वीडियो यदि बनाए तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हालांकि यदि आप चाहेंगे तो जरूर से मैं वीडियो बना करके दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ये मैंने आपको राशिफल, ये जो ग्रहों के राशि परिवर्तन जो हैं अभी जो मैंने आपको बताया, ये वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो इसके आधार पर इंडिविजुअल ग्रह को लेकर के इंडिविजुअल राशिफल आपको देते रहता हूँ। लेकिन जो चंद्रदेव हैं उसके आधार पर आपको साप्ताहिक राशिफल मिलते रहता है। तो जो भी मेरा साप्ताहिक राशिफल देखते हैं वो ये मान लीजिए कि चंद्रदेव की घटनाएं जो घटित हो रही हैं उसके आधार पर वो साप्ताहिक राशिफल होता है। हालांकि दूसरी चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं, लेकिन ग्रहों के जो चंद्रदेव हैं उनका खास तौर पर ज़्यादा ध्यान उन राशिफल में रखा जाता है। तो साप्ताहिक राशिफल देखते हैं तो चंद्रदेव को आप चंद्रदेव की घटनाओं से ही आप उसे लिंक करके समझ सकते हैं।
फिर भी आप यदि कहेंगे तो मैं आपको चंद्रदेव के आधार पर भी उनके उनके जो चाल है वो मैं आपको बता दिया करूंगा मासिक आधार पर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोस में आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज़ में आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।